आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आज मैं 60 लोगों से मुखातिब हूँ जो कि भविष्य के डायमंड हैं। हम लोग तो आपको डायमंड बनाने की पूरी तैयारी में हैं, लेकिन अभी आपको तय करना है कि डायमंड बनना है कि नहीं बनना है। डायमंड बनना चाहते हो कि नहीं? yes! तो आज ये आफ्टरनून, आज ये दोपहर जो आपकी जिंदगी की सबसे बेहतर दोपहर है, आज की सबसे लाउडेस्ट गुड आफ्टरनून आपके आपके पास से निकल के आनी चाहिए। मैं एक बार अपने आप को दोबारा मौका देता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये जो सीरीज है 8 स्टेप को बार बार आपने काफी बार ट्रेनिंग में देखा होगा, और हर बार शुक्रवार की ट्रेनिंग में आपको एक ही बात बताई जाती है, लिस्ट, ड्रीम, ट्रेनिंग, वो सारी चीजें जो आपको पता है कि नहीं है? yes! लेकिन आज हम लेवल 2 पे खेल रहे हैं। लेवल 2 पे खेलेंगे मतलब क्या है? वो बातें जो बाद की बातें हैं, वो बातें जो 8 स्टेप के बाद की बातें हैं, वो बातें जो जिंदगी में कोर बनाने वाली बातें हैं, वो बातें जो जिंदगी में आपको डायमंड तक पहुंचाने वाली बातें हैं, आज हम उन बातों को करेंगे। सही है? yes! हम लोग यहाँ पर सारे के सारे लोग जो आए हैं, इस बात एक बात ये प्रूव हो जाती है आपके यहाँ आने से कि जितने भी लोग आप में से यहाँ बैठे हैं, हर आदमी जीवन में यहाँ पर सिर्फ रोटी कमाने के लिए सिक्योर लाइफ में नहीं आया था, बड़ा आदमी बनने के लिए आया है। सही है कि नहीं? yes! क्योंकि हमको सिर्फ रोटी खानी होती या रोटी कमानी होती तो जीवन में और भी बहुत सारे रास्ते थे जिंदगी में कमाने के लिए, है कि नहीं? yes! लेकिन ये इकलौता एक ऐसा रास्ता है सिक्योर लाइफ का, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, है कि नहीं है? yes! और सिर्फ ऐसे बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको कम सालों में वहां पर पहुंचा सकता है जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं थे, जिंदगी में वो नोबडी थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया, काम करना चालू किया, धीरे धीरे संबड़ी हो गए कि नहीं? yes! लेकिन एक चीज आप जान के देखो कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, अगर हम किसी भी सक्सेसफुल बंदे की बात करें जो कि सिक्योर लाइफ में काम कर रहा है, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक पावर काम कर रही है, एक पावर काम कर रही है, एक शक्ति काम कर रही है, एक योग्यता काम कर रही है, एक तकनीक काम कर रही है, उस तकनीक को हम कोर कहते हैं, है कि नहीं? yes! क्योंकि हर आदमी जो आज डायमंड है, हर आदमी जो आज मरकरी है, हर आदमी जो आज वीनस है, ये सब कुछ बनने से पहले वो एक क्वालिटी अपने में डेवलप किया है जिसको हम कोर कहते हैं, है कि नहीं? yes! मतलब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पहले आदमी डायमंड बनेगा कि पहले कोर बनेगा? कोर। और कोरों में से ही छटके लोग डायमंड बनेंगे। yes! तो सबसे पहले डायमंड बनने के लिए कोर बनने की शुरुआत की जाती है, और आज आपको मुबारक हो कि आप कोर की ट्रेनिंग में हैं। आज आपको कोर बनने के रास्ते बताए जाएंगे, तो आप बिल भी मतलब भविष्य के आप लोग सारे के सारे डायमंड हैं, क्योंकि इन्हीं में से छटके। जिंदगी में आज आपने जो निर्णय लिया है यहां पर आने का, और जिंदगी में ये जो निर्णय है आपका, वो आपको काफी आगे लगेगा कि हमने कुछ एक नया काम किया है। काफी सारे लोग थे यहाँ पर जो पिछली बार कोर की ट्रेनिंग कंडक्ट की और वो वहां पर आए और बहुत सारा उन्होंने सारी चीजों को सीखा, और अभी वो कोर भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जो ऑलरेडी कोर हैं, कुछ लोग हैं जिनमें कोर क्वालिटी है, कुछ लोग हैं कि उन चीजों को मान के चल रहे हैं और उनके चेकों में डिफरेंस आ रहा है, उनकी टीम में डिफरेंस आ रहा है, उनकी बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, है कि नहीं है? yes! यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में वो ओहदा रखते हैं जिस ओहदे पर लोग पहुंचना चाहते हैं, जिस ओहदे पर पहुंचने की लोगों को तमन्नाएं रहती हैं। हम में से भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 स्टेप के अलावा अभी तक किसी भी ट्रेनिंग में गए नहीं, कोई भी टीम उनकी बनी नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत ही कम टीम है, 2, 4, 5, 10 लोगों की टीम है, बाकी का उनको उनके पास कोई बड़ा उनके पास कहने को कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कोर जो एक ऐसी चीज है कि अगर आदमी कोर बन जाता है तो दुनिया में वो सब कुछ बन जाता है। मतलब कोर बनना ही उसके लिए सबसे जरूरत की चीज है। मतलब जितने भी लोग आप देखो जिससे आप आज तक इंप्रेस होते चले आ रहे हो, आज स्टेज पर जब लोग बोलते हैं तो आप उनसे इंप्रेस होते हो कि नहीं? yes! जादव साहब जब बात करते हैं, प्लान लेते हैं, तो आप इंप्रेस होते हैं? yes! और टीकेन सिंह चौधरी साहब प्लान लेते हैं तो आपको लगता है कि यार इस तरीके का कुछ जोश जज्बा हमें भी होना चाहिए, हमको भी ऐसे प्लानर होना चाहिए, हमको भी ऐसे प्लान लेना चाहिए? yes! मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल को जब आप सुनते हैं, चतुर्वेदी जी को आप सुनते हैं, संजय जैन को आप सुनते हैं, सुनहरी लाल को आप सुनते हैं, ये सारे लोग क्या है? ये सारे लोग आप ही की तरीके से शुरुआत करके ये वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक एक्टिविटी जो है, एक जो क्षमता है, एक जो पावर है, तकनीक है, उसका इन्होंने भरपूर यूज किया है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं। सही है कि नहीं? yes! तो कोर क्या है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है, यहाँ पर आने से फायदा क्या होगा, वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, ये जो सेमिनार है, ये जो ट्रेनिंग सेशन है, वो 3 दिन के लिए चलेगा, आपको पता है? yes!
तीन दिन आपको इस ट्रेनिंग में कंटिन्यू होना है। तीन दिन तक आपको इस ट्रेनिंग में कंटिन्यू करना है। तीन दिन में हम आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे जिन चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोर क्या होता है, सही है? Yes. लेकिन एक चीज उससे पहले और जरूरी है कि सबसे पहले हम ये समझे कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है। सिस्टम को जानना भी जरूरी है कि नहीं? Yes. बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते हैं कि सर कंपनी तो आपकी सिक्योर लाइफ है, फॉरम आप सिस्टम फर्स्ट भरवाते हो और ये यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम लिखा हुआ है, इतनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन वो आपके सामने खड़े करते हैं और हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, सही है कि नहीं? Yes. तो अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर मैं सिंपली बात करने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि आपने नेटवर्क में आए और सिक्योर लाइफ में आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया है कि नहीं आपने डिमांड ड्राफ्ट? Yes. डिमांड ड्राफ्ट देने के बाद आप यहाँ जुड़ गए और डिमांड ड्राफ्ट आपने जब दिया है, अपना डीडी जब आपने डिस्पैच किया, तो मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया है। क्या खरीद लिया? कंप्यूटर खरीद लिया। खाली ब्लैंक कंप्यूटर खरीदने से कोई फायदा है? कंप्यूटर जब तक रन नहीं करता है, जब तक उसके अंदर सिस्टम ऑपरेट ना करे, यानी उसके अंदर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट या उसके अंदर कोई भी सिस्टम ना डाला जाए, सही है कि नहीं? Yes, yes. तो जो सिस्टम उसके अंदर डाला गया है वही ये सिस्टम है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी चीजें बनी हैं, जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो किसी ना किसी एक सिस्टम से ऑपरेट होती हैं। कंपनी की जिम्मेदारी है कि तुमने जुड़ गए, आपने काम करना चालू कर दिया, आप डीडी भेजोगे तो कंपनी आपको चेक भेज देगी। कंपनी की जिम्मेदारी है कि आप काम करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन काम करोगे कैसे वो कौन बताएगा? वो कौन है? काम करोगे कैसे वो कौन बताता है आपको? वो आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बताता है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में इतने सारे लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हैं और जो कि सिस्टम के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, इतनी सारी सक्सेस ले रहे हैं, तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं इस बात को फील करता हूं कि कंपनी का जो रोल है वो सेकेंडरी है, लेकिन सिस्टम का जो रोल है वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है और अहम रोल है कि नहीं? Yes. मतलब जब आप 350 रुपए का फॉर्म भरते हो तो कंपनी से आपका कोई भी सरोकार नहीं है जब तक आपने डिमांड ड्राफ्ट नहीं दिया है। क्या कंपनी जानती है सिस्टम में जो फॉर्म भरता है उसको? No. नहीं। लेकिन अपलाइन सिस्टम और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपकी उसी दिन से मदद करना चालू कर देते हैं जिस दिन से आपने फॉर्म भरा है, 350 रुपए दिए हैं। तो सिस्टम फर्स्ट प्रायोरिटी है, सिस्टम ही आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप जाना चाह रहे हो। अगर ऐसे बोला जाए कि सिर्फ कंपनी के बलबूते पर अगर आप आगे बढ़ना चाहें और सिस्टम आपका साथ ना दे, तो बहुत सारे लोगों ने कंपनी में ज्वाइन किया लेकिन आगे ना बढ़ पाए, है कि नहीं? Yes. लेकिन जिन लोगों ने सिस्टम का साथ लिया और जिस सिस्टम से अटैच होकर जो लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम की बातों को मान के कर रहे हैं, तो वो लोग वहां पहुंच रहे हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। तो हम लोग सिस्टम की शरण में हैं। आज हम सिस्टम में वो सारी बातों को समझने वाले हैं कि सिस्टम हमसे क्या चाहता है, सिस्टम के लिए हमको क्या करना है। इन तीन दिनों में बीच में हम काफी सारे डिस्कस करेंगे जो सिस्टम आपसे चाहता है, सही है? Yes. तो कोर के बारे में बात करते हैं। कोर एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी क्षमता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोर के बारे में समझते हैं। ऐसे बोला जाता है कोर के बारे में, CORE, कोर। इफ यू वांट मोर, अगर आप ज्यादा चाहते हो तो बी ए कोर। अगर आप इस सिस्टम में बहुत ज्यादा कमाने के लिए आए हैं तो आप कोर बन जाइए। 10-20-25 हजार से अगर आपकी संतुष्टि हो जाए तो कोई लफड़ा पालने की जरूरत नहीं, कोर और बनना कोई जरूरत नहीं, है ना? लेकिन आपको आज आपके लीडर्स ने सेलेक्ट किया है, यहाँ बुलाया है, तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने एक चीज तो प्रूव कर ली है कि आपका 10-20-25 हजार में काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? Yes. आप ज्यादा कमाने के लिए आए हो। मैंने शुरुआत में बोला था कि सिर्फ रोटी खाने के लिए ये बिजनेस नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ रोटी चलानी थी और रोटी खानी थी, क्या उनको सिक्योर लाइफ में आने की कोई जरूरत है? No. दुनिया में कोई भी काम करो, रोटी तो कहीं भी मिलती है कि नहीं? Yes. लेकिन रोटी से ज्यादा कुछ अगर चाहिए, आपको बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, कार चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए जो जिंदगी में होनी चाहिए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, आपको वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो दुनिया में है, तो इसका मतलब आपको कोर बनना होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग ऑलरेडी कोर हैं, उन्हीं के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ कोई भी लेवल सिक्योरिटी का लेवल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं कि आप डायमंड बन जाओ, तो सारे डायमंड को क्या बिना काम करे के चेक आते रहेंगे? नहीं ना। लेकिन स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं कि भाई स्टेबिलिटी आपको अपने नेटवर्क में चाहिए, या किसी को लगता है कि साहब मुझे 1 लाख रुपए पर वीक का चेक चाहिए, आप में से कोई बोलता है कि साहब मुझे 1 लाख रुपए पर वीक का चेक चाहिए, इट्स सो सिंपल। ये क्या है? बहुत सिंपल है। 100 कोर लेफ्ट में 100 कोर राइट में बना दे तो ये 1 लाख का चेक आ जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. मतलब स्टेबिलिटी जो है वो विदाउट कोर नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में कोर है, सबसे पहले आप खुद कोर हो, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क स्टेबल है, आपको लगातार चेक आएंगे क्योंकि आप वो एक्टिविटी करते हो जो करनी चाहिए। और आपको लगता है कि मेरा स्टेबल नेटवर्क बनना चाहिए, स्टेबिलिटी अगर नेटवर्क में चाहिए, आपको लगता है कि पर वीक जो पैसा आया अगले वीक भी उससे ज्यादा आना चाहिए, और इस वीक जो आया उससे वीक अगले ज्यादा आना चाहिए, और लगातार प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए, लगातार काम होते रहना चाहिए, तो विदाउट कोर ये कुछ भी बातें पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों के नेटवर्क झटके खा रहे हैं, जिन लोगों का दो हफ्ते चेक आता है, दो हफ्ते फिर शांत हो जाता है, फिर दो हफ्ते आता है, एक हफ्ते नहीं आता, अगर ऐसा उनके साथ हो रहा है तो आप सोचते होगे कि यार ये कमी कौन सी है कि मैं कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी बन जाता है, कभी एक हफ्ते आता है तो 1000 का आता है, कभी आ गया तो 5000 का आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अपने नेटवर्क में सिर्फ अकेला कोर है। समझ में आ रहा है? yes. और तो नेटवर्क में कोई कोर है नहीं no. और किसी को वो बातें समझ में आती नहीं है, तो आपका मन होता है आप मेहनत करते हो तो आपको पैसा आता है, आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको पैसा नहीं आता। तो लगातार अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो सिर्फ एक ही क्षमता से आ सकती है, वो क्षमता क्या है? कोर। पहले खुद कोर बन जाओ, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बना दो, और इस काम से परमानेंट निपटारा आपका हो जाएगा, परमानेंट आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद भी अगर हमने वही काम किए जो दुनिया में आम आदमी कर रहे हैं, तो हमने ये अलग से काम करके कोई फायदा कर लिया क्या? मतलब दुनिया की कार और हमारी कार सेम है, दुनिया का मकान और हमारा मकान सेम है, दुनिया के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आने से कोई फायदा है? No. यहाँ आने का मतलब, यहाँ आपकी जो आपका जो स्टेटस है वो कम से कम आम आदमी से 3-4 गुना हाई होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? Yes. मतलब आम आदमी वो बातें सोच ना पाए, वो बातें आपके पास होनी चाहिए। आम आदमी सोचने में उसको डरे कि यार 1,00,000 रुपए साल की मैं फीस कैसे दूंगा अपने बच्चे की, 1,00,000 तो मैं खुद ही कमाता हूं, लेकिन आपका बच्चा 1,00,000 रुपए की फीस में साल में डीपीएस में पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? yes. मतलब वो बातें जो आम आदमी सोच नहीं सकता, वो बातें आपको यहाँ करनी है, तो सिर्फ एक ही शक्ति है, एक ही ताकत है, एक ही पावर है, उस पावर का नाम है कि आपको पहले खुद कोर बनना होगा, फिर अपने नेटवर्क में कोर बनाना होगा। अभी आपके दिमाग में से किसी एक आध आदमी के सवाल ये भी मन में सवाल आ रहा होगा कि पढ़े लिखे आदमी ही कोर बनते हैं, इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है और इसके लिए बहुत सारी एबिलिटी जरूरी है, इसके लिए देवेंद्र शर्मा की तरह एमकॉम फर्स्ट डिवीजन आना जरूरी है। आपको लगता होगा कि और बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो और लोगों में है, मेरे में नहीं है। काफी लोगों को लगता है मैं तो सुंदर दिखता नहीं हूँ, काफी लोगों को लगता है मैं तो नाटा हूँ, लंबा नहीं हूँ, काफी लोगों को और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो कोर बनने से उनको रोक रही हैं, जो प्लानर ट्रेनर बनने से उनको रोक रही हैं, जो स्टेज पे आने से उनको रोक रही हैं। लेकिन मुझे आप बताओ, एक बात बताओ, जॉनी लीवर सुंदर है? सुंदर का कोई दृष्टिकोण अगर देखें उसमें तो मैच करता है क्या? नहीं। नाना पाटेकर सुंदर है? लेकिन सारे लोग जो भी सुंदर नहीं है लेकिन उन्होंने एबिलिटी डेवलप कर ली, तो इसका मतलब टॉप पे हैं कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क में हमारे सिक्योर लाइफ में भी हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है। मिस्टर हरी सिंह भिंड इसका ज्वलंत उदाहरण है, 4 क्लास पास, और 4 क्लास पास आदमी आज क्या है, डायमंड होने वाला है, मतलब उसका नेटवर्क 10,000 से ऑलरेडी अभी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर आपने सिर्फ आपको जब आप 20 साल ना पढ़े, 20 साल आप नहीं पढ़े हैं और आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला किसी कारणवश आप ना पढ़ पाए, लेकिन अभी आज से अगर 1 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग की किताब ज्यादा पढ़ना चालू कर दें तो वो 20 वाला फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो जो किताबें पढ़ा है वो तो मेरे भी काम नहीं आ रही है। मैंने एमकॉम में जो भी पढ़ाई की मेरे कहां काम आ रही है अभी, है ना? मैंने जो बीकॉम में किया वो कहां काम आया? आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी वो कोई काम आ रही है? यहाँ काम वही आएगा जो यहाँ सीखा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर जितनी शिद्दत रखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये काम आपका तेजी से हो सकता है। समझ में आ रहा है? yes. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सब कुछ कोर पे टिका हुआ है और जिंदगी में डायमंड बनने का एक ही रास्ता है वो कोर से होके गुजरता है, और बड़ा पैसा कमाने का एक ही रास्ता है जो कोर से होके गुजरता है, तो क्या कोर बन जाना चाहिए कि नहीं? yes. कोई कठिन काम है? no. और कठिन काम वो है जिसको आपको सिखाया ना जाए, लेकिन जो सिखा के हम आपके पीछे पड़ रहे हैं, सिखाने की सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोर बन जाना चाहिए। yes. जादौन साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हम चाहेंगे तो नहीं होगा, आप चाहोगे जिस दिन होगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं? yes. देखो, आपको अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से आपके लीडर्स ने बुला के यहाँ पर बिठाया गया है, तो आपकी और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आपकी जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि आपके नीचे जो नेटवर्क आ रहा है वो आप ही के नीचे आप जैसा बनेगा।
सही है कि नहीं? यस। आप अगर हरामखोर हैं तो आपके नीचे सबसे बड़े बड़े हरामखोर नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं? यस। आप बेईमान हैं तो आपके नीचे बड़े बड़े बेईमान आ जाएंगे, है कि नहीं? यस। आप एक बढ़िया वक्ता हैं तो आपके नीचे भी अच्छे वक्ता आएंगे या सीखेंगे, सही है कि नहीं? यस। मतलब क्या है, ऐसे बोला जाता है कि बेटा बाप की फोटोकॉपी होता है, बेटा बाप की फोटोकॉपी है। तो क्या हमारा बेटा वैसा होना चाहिए? हमारी ओरिजिनल कॉपी ठीक है कि नहीं है? मतलब पहले क्या है, हमको ओरिजिनल कॉपी को ठीक करने की जरूरत है। कुत्ते की फोटो स्टेट करो क्या निकलेगा? शेर की फोटो स्टेट? बिल्ली की? आपकी फोटो स्टेट करेंगे तो? आप अगर कोर नहीं हो तो आपके नेटवर्क में ना कोर ना कोर ना कोर, कोई कोर बनने की एबिलिटी कोई डेवलप नहीं करेगा। आप किताब नहीं पढ़ते हो, आपके नेटवर्क में ऐसे 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 डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। आपके नेटवर्क में जो काम आप कर रहे हो वो काम होगा, क्योंकि ऐसे एक बात और बोली जाती है कि जो मैं बोलता हूँ, मुंह से जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों का आपको कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ उन बातों को आप ध्यान से देख रहे हैं, सच है कि नहीं है? इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, सबसे छोटी उंगली निकालो, घुमाओ, अपनी नाक पर रखो, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, नाक पे रखो, लेकिन एवरीबॉडी हर आदमी कहाँ रखा हुआ है? गाल पे, क्योंकि लफड़ा पालना ही नहीं, जहाँ दिखा है वहां जो जो देखा वो रख दिया, बात खत्म हो गई, समझ में आ रहा है? ऐसे क्या बोला जाता है कि जो बातें मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई याद नहीं कर रहा है, सारी बातें हवा में जा रही है, मैं भी जानता हूँ कोई याद रख के नहीं जाएगा, लेकिन जिन बातों को मैं आपको दिखा रहा हूँ या जिन बातों को मैं कर रहा हूँ उन बातों को आप हमेशा फोकस करोगे, सच है कि नहीं है? Yes. तो मतलब आप जिन बातों को अपने नेटवर्क में कर रहे हो वो डुप्लीकेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? Yes. और अगर हम संभल गए, हमने अपनी आदतों को ठीक कर लिया, हमने प्लान देना चालू कर दिया, हमने वो सारे काम करना चालू कर दिए जो कोर एक्टिविटी में होते हैं, तो आप देखो कि आपको देख देख के ही लोग कोर बन जाएंगे, फिर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? Yes. क्योंकि जो आदतें आप में हैं वही आदतें आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होंगी, समझ में आ रहा है? Yes. तो कोर बनना चाहते हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. आगे बढ़ते हैं। ये कोर होता क्या है? कोर की एक डेफिनेशन लिखी है यहां पर कि कोर इज जस्ट लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हैं? न्यूक्लियस एक प्रोटॉन होता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब न्यूक्लियस क्या है? एक नाभिक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, हमारे समझने की परे की परिभाषा है, मतलब इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन एक बहुत आम साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखो, कोर क्या है, एग्जाम्पल है कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो क्या है? गॉड है। तो गॉड क्या है? ब्रह्मांड का कोर है कि नहीं? Yes. और सोलर अगर है, सोलर यानी ऊर्जा की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा ऊर्जा का संचार कहां से होता है? सूर्य से। इससे बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत है? No. तो इसका मतलब सन इज द कोर ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब जितने भी दुनिया के सोलर सिस्टम है वो सन क्या है उसमें कोर है। और ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, मानव के शरीर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कोर कौन सा पार्ट है? ब्रेन। आपका मस्तिष्क जो है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी में कोर है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर से बड़ी पावर कोई है? No. तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर, और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा कोर एक्टिविटी क्या है उसमें? पीएम है, सही है? और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो सीएम, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करूं तो डीसी या डीएम, सही है कि नहीं? और फ्रीडम फाइटिंग की बात करूं तो महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग जो आए थे वो सारे के सारे कोर थे कि नहीं थे? Yes. और सिक्योर लाइफ की बात करूं तो सिक्योर लाइफ में भी बहुत सारे कोर हैं। आप नाम बताओ मुझे, एक बार नाम लेते हैं उन लोगों का जिनको आप जानते हो और जो कोर हैं। मिस्टर संजय जैन? Yes. मिस्टर राजीव चतुर्वेदी? Yes. नरसिंह ग्रेवाल? Yes. मिस्टर ओम प्रकाश जी? Yes. सुनहरी लाल जी? Yes. टीकेन सिंह चौधरी? Yes. जादौन साहब? Yes. माधव सिंह? Yes. और बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हो लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है, सच है कि नहीं है? एवरीबॉडी कोर है कि नहीं? Yes. और ये जितने भी लोग आज टॉप पर हैं, ये टॉप पर बाद में हैं, पहले ये क्या है? कोर है। मतलब अगर ये कोर नहीं बने होते तो क्या ये टॉप पे होते? No. लेकिन इनके साथ चलने वाले लोग जो आज टॉप पे नहीं है वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोर नहीं।
है कि नहीं? मतलब इनके साथ भी बहुत सारे लोग चले, लेकिन वो आज वहां नहीं पहुंचे जाए पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो कोर नहीं बन पाए। सही है कि नहीं? आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने चलना चालू किया है, आपने खुद ने बहुत सारे लोगों के साथ चलना चालू किया है, लेकिन मैं ये बोलता हूं ये सत्य है कि हर आदमी डायमंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो कोर बनेगा तभी तो डायमंड बनेगा। है कि नहीं? और कोर सब बनेंगे नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब डायमंड की शुरुआत कोर से होती है। तो आपको मुबारक हो कि आप कोर बनने वाले हैं, क्योंकि भविष्य के आप सारे के सारे डायमंड हैं, इसलिए आपने कोर बनने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर में जो कोर क्वालिटी है उसमें 10 स्टेप हैं, 10 मतलब बातें हैं, 10 पॉइंट हैं अलग अलग, और वो 10 बातें जो आदमी फॉलो करता है, 10 बातों को मान के जो भी चलता है, जो 10 बातों को बखूबी करता है, वो सारे के सारे कोर होते हैं। और कोर के बारे में एक बात और है कि कोर जो भी व्यक्ति है, कोर ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि एक बार आप कोर बन गए और जिंदगी भर फिर आप कोर ही रहोगे। ऐसे एक बार अगर आप सिक्योर लाइफ में सिल्वर हो गए, तो आप अगर आप सिल्वर बनने के बाद फिर आगे बढ़ ना पाए, तो अपने पोते को बताओगे कि मैं भी सिक्योर लाइफ में सिल्वर था? थे, वो तो है ही है कि नहीं? मतलब सिल्वर तो एक ऐसी डेजिग्नेशन है कि जिसका प्रमोशन तो है लेकिन कोई भी डिमोशन नहीं है, है कि नहीं? डिमोशन नहीं हो सकता। लेकिन कोर एक ऐसी क्वालिटी है कि आज रात आप कोर हो और कल कोर नहीं हो, है ना? इस हफ्ते आप कोर हो लेकिन अगले हफ्ते आप कोर नहीं हो। मतलब 10 पॉइंटों में से अगर कोई एक बात आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर नॉट कंप्लीट कोर, है कि नहीं? मतलब आप कोर नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है, ये 10 की 10 बातें ऐसी हैं जिनको आदमी लगातार फॉलो करता रहेगा तो वो कोर रहेगा, और नहीं कर पाएगा तो वो कोर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इन बातों को समझते हैं पहले कि ये क्या है, किस किस तरीके से है, कौन कौन से वो 10 पॉइंट है। पहली चीज लिखा हुआ है नोज एंड फॉलोज, जानता हो और उनको मानता हो, है ना? नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। मतलब जो व्यक्ति 8 स्टेप ऑफ सक्सेस को जानता हो और उन पर चलता हो, सही है? या उनको मानता हो। काफी सारे लोग हैं जो कि सत्संग में जाते हैं, हर सत्संग में बताया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, पराई स्त्री की तरफ देखना पाप है, और बहुत सारी चीजें, लेकिन लौटने के बाद सब काम वही करते हैं, तो कोई फायदा है सत्संग में जाने से? नहीं ना। मतलब सत्संग का फायदा अगर 1% जनता उठा रही होगी तो वो लोग उठा रहे होंगे जो वहां से कुछ बातों को पकड़ के लाते होंगे और उनको अपनी जिंदगी में उतारते होंगे। लेकिन 99% लोग कैसे होंगे सत्संग में जो बैठते होंगे, 4 घंटे का टाइम पास करते होंगे, इधर उधर देखते रहते होंगे, बातें सुनी और आके सब वही काम चालू, है कि नहीं? तो आज से पहले हमने काफी बार 8 स्टेप ट्रेनिंग ली है कि नहीं है? हमने काफी बार 8 स्टेप को समझा है, 8 स्टेप की बातों को हमने काफी बार समझा है। 8 स्टेप के बारे में हर बार जब आप आते हो ट्रेनिंग में तो हर बार यही बातें बताई जाती हैं, और काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है, बोर हो जाते हैं लोग उसको सुन सुन के। आपको लगता है कि यार बार बार तो वही बातें बताई जाती हैं, ड्रीम लिस्ट इनविटेशन फॉलो अप, कब तक सुनूंगा? और काफी लोग बोलते हैं जिनको बोला जाता है कि आज आप ट्रेनिंग में नहीं गए, तो बोलते हैं ट्रेनिंग में जाने से होगा क्या, रोज तो वही बातें बताई जाती हैं, हर बार वही बातें बताई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये बातें इतनी बार आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि एक दिन इन पर आपको विश्वास हो जाए और इन पर आप चलना शुरू कर दो, सही है? क्योंकि एक ही बार आपको एक बात बता दी जाए तो क्या उस पर चलना चालू करोगे? नहीं। ऐसे बोला जाता है कि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज को करने की आदत आपकी जब बनती है, जब आप 21 बार लगातार उसी चीज को अपने साथ होने देते हो। जैसे आपको उठने की आदत नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, आपको रोज सुबह 21 बार कम से कम 5 बजे उठना होगा। पहले दिन आप उठ जाओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपको लगेगा कि यार क्यों लफड़ा पालना, आज 1 घंटा थोड़ा और सो लेता।